कॉम्बिनेशन, परमोटेशन हम लोग कर लिए थे, अभी हम लोग करें कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है भैया? ग्रुप बनाना। क्या करना? ग्रुप बनाना। चालू है। ए कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुप बनाना, कमिटी बनाना। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? ग्रुप बनाना, कमिटी बनाना, इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला को जानने से पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, इस साइन को हम कहते हैं फैक्टोरियल, या इस साइन को हम कहते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है गुणनखंड में तोड़ना। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है भैया? गुणनखंड में तोड़ो। जैसे मान लो जीरो फैक्टोरियल आ गया, इसका वैल्यू वन होता है। फैक्टोरियल वन आ गया, इसका भी वैल्यू वन होता है। फैक्टोरियल वन आ गया, इसका वैल्यू वन होता है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? पक्का समझ रहे हैं ना? मान लीजिए फैक्टोरियल फाइव आ गया, तो फैक्टोरियल को तोड़ेंगे कैसे? इसको तोड़ने का तरीका है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जो भी नंबर है वहाँ से 1 तक चले जाएंगे लगातार, 5 से लेकर 1 तक चलेगा। तो 5 × 4 = 20 गुना में चले जाएंगे, तो 5 × 4 = 20, 20 × 3 = 60, 60 × 2 = 120, माने आंसर हो जाएगा 120। इस तरीके से फैक्टोरियल को तोड़ा जाता है। अब प्रश्न आता है कि 120 रहेगा तो क्या 1 तक हम आएंगे? इतना बड़ा नंबर नहीं रहेगा, इतना बड़ा नंबर नहीं रहेगा, 10, 11, 12, 15 तक ही नंबर रहेगा, जो कि आराम से आप 1 तक जा सकते हैं। क्लियर है क्या? आगे बढ़े हम लोग? बोलिए, बोलिएगा तब आगे बढ़ेंगे, नहीं बोलिएगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर ऐसा आ गया, ये देखिए एन सी आर, एन माने नंबर ऑफ थिंग्स गिवन, आर माने कितना ले रहे हैं, और सी माने कॉम्बिनेशन। पी रहेगा तो परमोटेशन, सी रहेगा तो कॉम्बिनेशन। तो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये भी फैक्टोरियल का साइन है, ये भी फैक्टोरियल का साइन है। हम लोग को फैक्टोरियल का साइन ये अच्छा लगता है तो हम लोग ये फॉलो करते हैं, सीधा बात है। जिनको जो अच्छा लगता है वो फॉलो करते हैं, हम लोग को ये अच्छा लगता है। क्लियर है क्या? तो एन सी आर इसका फॉर्मूला है, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। क्लियर? ये फॉर्मूला है। इस ऊपर वाला एन को आप जितना टर्म में चाहें तोड़ सकते हैं, ये अनंत है। एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, जितना करना चाहें कर सकते हैं, ये अपना खेती है। बट अप टू द रिक्वायरमेंट, जहाँ तक रिक्वायरमेंट है वहीं तक हम लोग तोड़ेंगे, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं तोड़ेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। एक और फार्मूला है, जब ऐसा सवाल आ गया एन सी आर इक्वल टू एन सी आर, दोनों ओर आ गया बराबर बराबर, दो दो आपको कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, दो दो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो ये फार्मूला का हम अप्लाई करते हैं, एन सी आर इक्वल टू एन सी आर, एन सी आर इक्वल टू एन सी आर। तो इसमें क्या होता है, ये ब्रेक होगा, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। कैसे ब्रेक होगा? इसका फार्मूला हो जाएगा एन सी एन माइनस आर, इसका फार्मूला हो जाएगा एन सी एन माइनस आर इक्वल टू, इधर हो जाएगा एन सी आर, एन सी स्वाहा, एन सी एन सी, तो क्या बचेगा एन माइनस आर। सॉल्व करेंगे नीचे वाला, समझे क्या बोले कि नहीं समझे? ये ब्रेक हो गया, ये फॉर्मूला है, ऐसे कट हो जाएगा एन सी एन सी। क्लियर है क्या? सम करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया सोल्व 5C5 को आपको सोल्व करना है। यहाँ पर n का वैल्यू ऊपर वाला है, n का वैल्यू 5 है, r का वैल्यू भी 5 है। अब फार्मूला में हम बैठा लेते हैं। फार्मूला क्या है भैया? फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r, यही है ना? तो n का वैल्यू तो 5 है, r का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू 5 है, r का वैल्यू 5 है। ओके, तो 5 में से 5 जाएगा 0, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, 1 में इससे तो गुणा करो तो खाली 5 ही बचेगा, माने 5 में से 5 गया 0 खत्म, 5 में से 5 गया 0 खत्म कर दो। ऊपर में क्या बचा? फैक्टोरियल 5, नीचे में क्या बचा? फैक्टोरियल 5, यही बचा। फैक्टोरियल 5 5 कट जाएगा, वैल्यू क्या आएगा? 1, वैल्यू क्या आएगा? 1, या ऐसे भी कर सकते हो आप, 5 को तोड़ लो, 5 4 3 2 1, आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, उड़ा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर को ऊपर तोड़ लो, नीचे का नीचे तोड़ लो, वो डॉट में भी तोड़ा जाता है कभी। वैल्यू कितना है? जब दोनों ओर सेम रहेगा तो उसका 1 आंसर लिख दीजिएगा डायरेक्ट, सीधा बात है। सोल्व करने का क्या दरकार है? सोल्व करने का कोई दरकार है नहीं, दरकार है डायरेक्ट लिख दीजिएगा 1। क्लियर? पक्का क्लियर? आगे बढ़ें सर,
तोड़ना नहीं है, ये फॉर्मूला है। आपको दरकार पड़े तो इस एन को ऐसे कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो तोड़ना नहीं है। समझ गए क्या बोल? आप कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट सोल्व 5C2। अब n का वैल्यू कितना हो गया भैया? 5। r का वैल्यू कितना हो गया? 2। तो n का वैल्यू 5 हो गया, n का वैल्यू 5 हो गया, r का वैल्यू 2। आपको समझ में आ रहा भैया? पक्का? n का वैल्यू 5, r का वैल्यू 2। अब इसको हम करते हैं सो निकाल देंगे आरो ऐसे बाहर। ऊपर का फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल r, यही है, यही है, n डिवाइडेड फैक्टोरियल r, n माइनस r। क्लियर? सॉल्व करते हैं, ऊपर 5, नीचे 2, 5 में से 2 जाएगा 3, यही है ना, दोनों फैक्टोरियल है। ऊपर 5 वाला का तोड़ लिया जाए, 5, 4, 3, 2, 1, 2 वाला का तोड़ लो 2, 1, 3 वाला का तोड़ लो 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 6, 2 से 2, 2, 4, 6, तो कितना बचा? 5 × 2, आंसर 3। कोई तकलीफ? कैसे पता चलेगा कॉम्बिनेशन है? सी लिखा रहेगा, टेंशन मत लीजिए, सी लिखा रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि कॉम्बिनेशन। आगे बढ़ें, बोलिएगा तो बढ़ेंगे, नहीं बोलिएगा तो वेट करेंगे। बोलिए बढ़े। अच्छा, नेक्स्ट है NC3 इक्वल टू टेन। और बोल दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू निकालो। किसका वैल्यू निकालना भैया? n का। किसका वैल्यू? n। तो n का वैल्यू निकालना तो कैसे निकलेगा? NC3 इक्वल टू 10। NC3 इक्वल टू 10 हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम इधर सॉल्व कर रहे हैं। NC3 इक्वल टू 10, n का वैल्यू तो n, r का वैल्यू 3 है, डायरेक्ट बैठा देते हैं, फैक्टोरियल n, n का वैल्यू n है, r का वैल्यू 3 है, और n का वैल्यू कितना भाई? n, r का वैल्यू 3, यही है, रख दो इधर 10 है। अब इस n को हम क्या बोले हैं कि जितना टर्म में चाहें तोड़ सकते हैं, इस n को बोले हैं ना, तो इस n को हम जितना टर्म में चाहें तोड़ सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट कहाँ तक है? तो ऊपर वाला को तोड़ेंगे n, r माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, समझ रहे हो? जहाँ तक दरकार है तोड़ेंगे, नहीं दरकार है तो नहीं तोड़ेंगे। तो दरकार पड़ चुका है, तो n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, नीचे 3 को कैसे तोड़ सकते हैं भैया? 3 × 1, और ये n माइनस 3, n माइनस 3 रहेगा इक्वल टू 10, n माइनस 3, n माइनस 3 कट गया, 3 को तो तोड़ ही सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से इधर, इधर से इधर, तो इधर से इधर करेंगे तो वही उतर जाएगा n, n माइनस 1, n माइनस 2, इधर 10 30 30 × 7, क्लियर? कितना आया? 60। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, यहाँ तक कोई तकलीफ है? 6। अब यहाँ 3 बार में है, 1 2 3, तो इसको भी 60 को आपको 3 टर्म में तोड़ना पड़ेगा, 60 को भी आपको 3 टर्म में क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़िएगा सुनिएगा ध्यान से, 60 को भी आपको कितना टर्म में तोड़ना पड़ेगा भाई? 3 टर्म में। कैसे तोड़ोगे ध्यान से सुनो, n, n माइनस 1, n माइनस 2 इक्वल टू 60 को तोड़ना है तो 5 × 4 × 3, 5 × 20 20 से 60, पहला नंबर बड़ा होगा उसके बाद कंटिन्यू होगा, याद रखिएगा, पहला बड़ा होगा, 5 के बाद अब 4 आया, 4 के बाद 3 आया, समझ गया क्या बोले? मैंने पहला संख्या 12 उसके बाद कंटिन्यू होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए? कंटिन्यू। कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस कर करके, प्रैक्टिस समझे, देखो 5 × 4 = 3, ऐसा मत करना, 3 × 4 = 5, ऐसा मत करना, पहले 12 होगा, समझा? बुद्धि में जा रहा है कि नहीं जा रहा? आप बताइए, ये अकेला है तो ये अकेला, लेकिन ये दुकेला है तो इसको भी दुकेला बना, ये दुकेला है तो इसको भी दुकेला बना, तो कैसे बनाएंगे देखो यहाँ, तो n, n माइनस 1, n माइनस 2, 5 को अकेला रखो, 5 माइनस 1 कर दोगे तो 4 आ जाएगा, 5 माइनस 2 करोगे तो 3 आएगा, ऐसा बन गया ना, माइनस 1 है तो माइनस 1, माइनस 2 है तो माइनस 2, सब जगह n का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा? 5। कितना दिखाई दे रहा?
तो एन का वैल्यू कितना हुआ भैया? 5। अरे कंसर इस हमारे बच्चे नॉर्मल है, पक्का पूछना चाहते हैं सर एन का वैल्यू सब जगह 5 है। देख लो बेटा जहाँ जहाँ एन हुआ 5, देखो ना। और टिक्की का जमाना है तो डायरेक्ट यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, आंसर मार दीजिएगा, वो करने का दरकार नहीं। समझ गया क्या बोले? कॉपी तब आगे बढ़िए। देखिए ए नंबर का सॉल्व कैसे होगा, 4c1 + 5c2, माने 4c1 को पहले सॉल्व कर लेना है। एन का वैल्यू तो भैया 4 है, आर का वैल्यू कितना 1, एन का वैल्यू 4, आर का वैल्यू 1, प्लस एन का वैल्यू 5 है, आर का वैल्यू 2 है, एन का वैल्यू 5 है, आर का वैल्यू 2 है। तो इसको इधर सॉल्व करेंगे, इसको इधर सॉल्व करेंगे, ऊपर फैक्टोरियल 4, 1 का हटाई देते हैं, 4 में से बन जाएगा 3, या फैक्टोरियल 5, 2 फैक्टोरियल, 5 में से 2 जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब 4 को कैसे तोड़ेंगे, 4 3 2 1, इसको 3 2 1, 5 को 5 4 3 2 1, 2 को 2 1 3 को 3 2 1, 3 2 1 3 2 1 कट गया, 2 से 2 = 4 ये कट गया, 3 2 1 3 2 1 कट गया, कितना बचा 4, और इधर का कितना हो 5 × 2 10, माने 4 + 10 = 14। माने क्या करना है, पहले सोल्व कर लेना है फिर प्लस कर देना है। अगर बीच में मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई है तो इसको इधर सोल्व करना है, इधर सोल्व करना है, लास्ट में आंसर को मल्टीप्लाई करना है। अगर डिवाइड है तो क्या करना है, इसको इधर सोल्व करना है, इसको इधर सोल्व करना है, लास्ट में डिवाइड करना है, बन जाएगा, कोई दिक्कत? डिवाइड कर देंगे, डिवाइड नहीं करने आता है क्या? कैलकुलेटर से करना है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, हाथ को स्टॉप रखिए अभी। नेक्स्ट मान लीजिए ऐसा दे दिया, ऐसा आपको दे दिया, सॉल्व ऐसा दे दिया, NCR = NC5 क्या दे दिया भाई? NC5। समझ रहे तो कैसे सोल्व करें? अब दोनों और बराबर हो गया ना, बराबर हो गया तो वो वाला फार्मूला लगेगा, याद आ रहा? NC n - r, NC n का वैल्यू n है, n - r, NC5, NC कट गया, क्या बचा? n - r = 5, यही है ना, तो n - r = 5 पे आंसर हो जाए, कुछ सोल्व होने वाला है, कुछ सोल्व होने वाला नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? मान लीजिए ऐसा दे दिया सॉल्व, इस तरीके से दे दिया, 30 cr + 2 दे दिया। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? अब फाइंड आर सी थ्री, कभी कभी बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, या बोल देगा आर सी थ्री। अगर आर खाली बोलता तो ऐसे होगा, शुरू से दोनों बराबर बराबर है तो एन सी आर, एन सी एन का वैल्यू 30 है, आर कितना है? आर है ना, अरे एन सी एन का वैल्यू 30 - r, उधर में वही उतर जाएगा, 30 cr + 2, 30 से 30 कटा, क्या बचा? 30 - r = r + 2, यही बचा ना, आर वाला पे एक सर, बिना आर वाला पे एक सर, -r इधर आएगा -r, 2 इधर आएगा -20, तो कितना हो रहा -2r, इधर -20, -- कटा, r का वैल्यू निकालना, r का वैल्यू कितना हुआ भैया? 6। खाली r का बोलता है यही आंसर होगा, उसमें क्या बोला है फाइंड r से 3, माने r की जगह वैल्यू बैठाना होगा, तो देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, तो r का वैल्यू 14 है, तो 14 c3, अब 14 c3 को फिर से सॉल्व करो कॉम्बिनेशन में, फैक्टोरियल n ऊपर, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n - r, देख रहे हो याद आ रहा? तो ऊपर 14, इधर 3, और 14 में से 3 जाएगा 11, सही ना? तो सॉल्व कर लेते हैं, 14 को चले जाएगा 1 तक, 11 को चले जाएगा, 3 को चले जाएगा, सॉल्व कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा, जगह नहीं हमारे पास, हो जाएगा ना सॉल्व, 14 को 14 13 एक 1 तक, 3 को चले जाइएगा, 11 को चले जाइएगा, क्लियर है क्या? यस सर, पक्का कॉपी।